है मृदा या जिसको आप मिट्टी कहते हो, राइट। सो व्हाट इज सोइल? सोइल इज द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। सोइल एक ऐसा पाउडर्ड या पाउडर के जैसा स्ट्रक्चर है जो अर्थ के अपर सरफेस ऊपरी सतह पर पाया जाता है, राइट। सो दैट इट कवर्स ऑलमोस्ट द इंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ, इसलिए ये पूरी अर्थ की सरफेस को कवर करता है। सो द क्वेश्चन इज हाउ इज सोइल फॉर्म? अब सोइल बनती कैसे है, राइट। सो सोइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक। सोइल रॉक से बनती है। अब आप बोलोगे बच्चे कि रॉक तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, अब उनसे एक पाउडर फॉर्म कैसे होगा, राइट। तो रॉक से सोइल के बनने में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं या फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू रॉक सोइल में कन्वर्ट होती है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल? अब सोइल यूजफुल क्यों है? अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? सो द आंसर इज सोइल इज वेरी मच यूजफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज प्लांट्स ग्रो ऑन द सोइल। अगर सोइल नहीं होगी तो प्लांट्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। सेकेंड इज सोइल हैज ऑल्सो द लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स। सोइल में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल मीन्स यूजफुल होते हैं, काम के होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट कैरेक्टर इज सोइल इज द शेल्टर फॉर मेनी एनिमल्स ऑल्सो। शेल्टर मीन्स होम। सोइल बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स का शेल्टर है या होम है जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो द नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ सोइल इज फॉर्म्ड। सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन मतलब बनती कैसे है। सो सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक। सोइल रॉक के या चट्टानों के टूटने से बनती है। अब ये रॉक्स बेटा टूटती कैसे हैं? द रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय द सन, रेन, आइस, विंड एंड वेदर चेंज। मीन्स सन से, रेन से, आइस मीन्स बर्फ से, हवा से और वेदर। वेदर मतलब जो मौसम चेंज होता है उससे सोइल का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होगा बेटा? डे टाइम में बेटा समर्स में आपने नोटिस किया होगा गर्मी बहुत ज्यादा होती है, आपको गर्मी बहुत लगती है। समर्स में जब टेम्परेचर एटमोसफियर का बहुत ज्यादा हो जाता है तब ये रॉक्स जो है इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक का मतलब है दरार आ जाती है, फट जाती हैं। अब धीरे धीरे जब ये फटती जाती हैं तो रॉक्स अल्टीमेटली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसे सोइल कहते हैं। सिमिलरली रॉक्स ऑल्सो क्रैक अप ड्यू टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन देम। रॉक्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनके कारण भी रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं या टूट जाती हैं और धीरे धीरे ये सोइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। बट इट डजंट मीन दैट सोइल फॉर्म्स और द सोइल फॉर्मेशन इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मीन्स इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि सोइल बहुत जल्दी से बन जाती है। रॉक से सोइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। ऐसा नहीं है बेटा कि एक रॉक है वो 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर या 20 ईयर्स में बन जाएगी। एक रॉक को सोइल में कन्वर्ट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, तब एक रॉक पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सोइल जब कन्वर्ट होती है तो रॉक्स पर सन का टेम्परेचर, आइस मीन्स जब हिल स्टेशन पे स्नोफॉल होता है, सिमिलरली बहुत तेज हवा चलती है, वेदर चेंज होता है। बहुत तेज हवा के सेंस बेटा आप लोगों ने बच्चों नोटिस किया होगा कि समर्स में जब लू चलती है या आंधी आती है तब आंधी के साथ कई बारी बेटा छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर भी उड़कर आते हैं। नोटिस किया है किसी ने? किया है तो रेज योर हैंड। किया है अभी अभिनव, वेरी गुड बेटा। इतनी तेज विंड बेटा जब चल पावनी ऑल्सो गुड बेटा, जब आंधी आती है बेटा तो उसके साथ जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं। एक साथ उड़ने से वो आपस में रगड़ते हैं। जब ये आपस में रगड़ते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर में जब ये पत्थर ऐसे ऐसे रगड़ता जाएगा तो ये अल्टीमेटली सोइल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द सोइल फॉर्मेशन।
नेक्स्ट वन इज ह्यूज रॉक. ह्यूज कहते हैं बेटा बहुत बड़ी को. ह्यूज रॉक्स ब्रेक इनटू बोल्डर्स. जो बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो पहले छोटे स्टोन में कन्वर्ट होती हैं. छोटे बोल्डर्स जो हैं या छोटी रॉक्स जो हैं ये छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट होंगी. स्टोन्स पेबल्स में कन्वर्ट होंगे. पेबल्स मीन्स बिग पेबल्स, देन स्मॉल, देन द स्मॉलेस्ट. आफ्टर दैट इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म. नॉर्मल बेटा एक डेली लाइफ का आपको एग्जाम्पल बताते हैं. आप लोग स्कूल में क्या करते हो बेटा? क्लासरूम में आप लोग चॉक फाइट करते हो, राइट? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. इसमें बेटा आप क्या करते हो, इतनी बड़ी चौक है इसको पहले तोड़ते हो, राइट? कितने पीसेस हो जाते हैं एक चौक के? 4, 5, 6, राइट? तो अ बिग चौक कन्वर्टेड इनटू पीसेस, राइट? अब ये पीस इसको आपने फिर छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा. उस पीस को आप क्या करते हो, रब करते हो. देन द चौक इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म. दैट इज द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन. इतनी बड़ी सी रॉक पहले छोटे पत्थर में बदलेगी, छोटा पत्थर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और अल्टीमेटली मिलियंस ऑफ इयर्स में जा करके कन्वर्ट होती है एक पाउडर फॉर्म में, जिसको सॉइल कहा जाता है, राइट? सो द नेक्स्ट वन इज दीज ब्रेकअप एलिमेंट्स ग्राइंड अगेंस्ट. ग्राइंड का मतलब होता है बेटा क्रश करना. ग्राइंड वर्ड मीन्स इस तरीके से राउंड फॉर्म में जब क्रश होता है उसको ग्राइंड कहते हैं, या जिसको हिंदी में पीसना कहा जाता है, करेक्ट? सो दीज ब्रेकअप एलिमेंट्स ग्राइंड अगेंस्ट वन एनदर टू फॉर्म अ पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड सॉइल. ये जितने भी पीसेस हैं ये एक दूसरे के साथ ग्राइंड करते हैं. ग्राइंड करने से मीन्स रब करके क्रश करना. आपस में रगड़ते हुए जब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो जो पाउडर बनता है उसे सॉइल कहा जाता है. शेरवी बेटा वेट अ मिनट, आफ्टर 10 मिनट्स आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी. सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट मेक्स अप सॉइल. सॉइल किससे बनती है, राइट? सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ फॉलोइंग थिंग्स. बहुत सारी चीजें होती है बेटा सॉइल में जिससे मिलकर के सॉइल बनी होती है. फर्स्ट है मिनरल्स. मिनरल्स बेटा ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स के डेवलपमेंट या ग्रोथ में हेल्प करते हैं. प्लांट्स में अगर ग्रोथ प्रॉपरली आपको विजिबल करनी है उस कंडीशन में सॉइल में मिनरल्स होने चाहिए. बेटा आपने देखा होगा जब आप प्लांट्स लगाते हो तब उसमें खाद डालते हो, देखा है? काउडंग की यूज करते हो या मेन्योर्स होते हैं और क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इनको डाला जाता है. सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच इम्प्रूव द नरिशमेंट ऑफ द सॉइल. ये सारे सब्सटेंस खाद हैं या फर्टिलाइजर हैं या कोई भी केमिकल है, जब हम उसको सॉइल में डालते हैं उसके कारण सॉइल में जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स कहते हैं बेटा हम कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, ये सारे मिनरल्स हैं, इनकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं. धारिया शाह के व्हाट आर यू डूइंग ऑन द स्क्रीन. इस कंडीशन में जितने भी मिनरल्स हैं सॉइल में जब इंक्रीज होते हैं तब प्लांट प्रॉपरली डेवलप होंगे. आपने बेटा घरों में नोटिस किया होगा अगर आप प्लांटिंग करते हो, मीन्स प्लांट्स लगाते हो, उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है बेटा, आपका जो प्लांट है वो डेड हो जाता है. आप उसको पानी भी डालते हो, उसकी केयर भी करते हो, लेकिन उसके बाद भी वो प्लांट जो है वो मर जाता है, वो रीग्रो नहीं होता है. उसका रीजन ये है कि जिस सॉइल में आपने प्लांट लगाया है उसमें उस प्लांट के लिए जो जरूरी मिनरल्स हैं या जरूरी न्यूट्रिएंट हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए वो प्लांट जो है आपका डेवलप नहीं होता है. डिफरेंट मिनरल्स गिव डिफरेंट कलर्स टू द सॉइल. सॉइल में बेटा जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ये सारे मिनरल्स सॉइल को अलग अलग कलर देते हैं. आपने बेटा SST में पढ़ा होगा रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, या रेड सॉइल देखिए बच्चों आप लोगों ने आपके अपने घरों में भी बेटा हर जगह की सॉइल का टेक्सचर मीन्स कलर अलग अलग होता है. कहीं पर आपको बेटा लाइट ब्राउन कलर की सॉइल दिखती है, कहीं डार्क ब्राउन दिखती है, कहीं पर ब्लैक दिखती है, कहीं पर रेड भी दिखती है. इसका मीनिंग ये है कि ये जितनी भी सॉइल है ये मिनरल्स के कलर के कारण होती है. एक जनरल एक्सप्लेनेशन है बेटा साइंस में. ऐसे सारी सॉइल जहां पर आयरन मीन्स लोहे की क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सॉइल रेड कलर की होती है. एक बेसिक एक्सप्लेनेशन. सिमिलरली ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में बेटा जिंक, कोबाल्ट है, इस टाइप के मिनरल्स ज्यादा होते हैं.
अलग अलग सॉइल अलग अलग प्लांट के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे ब्लैक सॉइल है वो केवल कॉटन को डेवलप करेगी, रेड सॉइल है, रेड सॉइल में नॉर्मली बेटा कोई भी फ्रूटी प्लांट या वेजिटेबल्स डेवलप नहीं होते हैं, इसमें केवल कैक्टस डेवलप हो सकता है। डेजर्ट में मीन्स रेगिस्तान में बेटा आपने देखा होगा जैसे राजस्थान है वहां पर फ्रूट्स कम होते हैं, वहां पर कैक्टस के प्लांट्स ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पर मिनरल्स की जो कंटेंट है वो डिफर होता है। सेकेंड इज द ह्यूमस। ह्यूमस कहा जाता है बेटा जितने भी सॉइल की सरफेस है अगर उसमें कोई भी प्लांट बॉडी डीके हो गई है, डीके वर्ड का मतलब होता है डैमेज होना या सड़ना। आपने नोटिस किया होगा बेटा फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट जो है वहां पर कुछ एक प्लेस पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रॉटेन फॉर्मिंग सड़ जो जाते हैं उनको एक जगह पर फेंक दिया जाता है। अब जब ये एक जगह पर इकट्ठे होते जाएंगे, सपोज आपके घर में बेटा कहीं पर प्लांट लगा है तो प्लांट की लीफ शट डाउन होती है, मतलब झड़ती हैं या गिरती हैं। देखा है सीजन जब चेंज होता है तो प्लांट की जो लीव्स है वो झड़ जाती हैं और वो लीव्स सॉइल के ऊपर कलेक्ट होने लगती हैं। ये लीव्स धीरे धीरे डीके होती हैं या डैमेज होती हैं या रॉटन सड़ने लगती हैं। सड़ने से क्या होगा कि जितनी भी लीव्स हैं उन लीव्स में जितने भी मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और अब इस डीकेड लीव्स या प्लांट मटेरियल को ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस के कारण सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। फर्टाइल वर्ड का मतलब होता है बेटा द सब्सटेंसेस विच डेवलप द प्लांट वेरी वेल। फर्टिलिटी वर्ड का मतलब है ऐसी जगह जहां पर प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होता है उस जगह को फर्टाइल लैंड कहा जाता है। तो ह्यूमस के कारण सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और फर्टिलिटी बढ़ने से प्लांट प्रॉपरली डेवलप होता है। थर्ड है सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर एयर एंड जर्म्स। मॉइस्चर बेटा नमी को कहा जाता है, एयर में जो वाटर अमाउंट होता है उसको मॉइस्चर कहते हैं। सॉइल में नमी भी होती है, एयर भी होती है, जर्म्स। जर्म्स वर्ड का मतलब होता है बेटा ऐसे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो हमें अपनी आई से दिखाई नहीं देते हैं उन्हें जर्म्स कहा जाता है, राइट। दे टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मॉइस्चर एयर और जर्म्स तीनों ही प्लांट के ग्रोथ या डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सॉइल ऑल्सो कंटेन्स ग्रेवल सैंड एंड क्ले। बेटा ये तीन वर्ड हैं जिनके मीनिंग डिफर हैं, इन सबसे मिल करके सॉइल बनी होती है। ग्रेवल वर्ड का मतलब है ऐसी सॉइल जिसमें रॉक्स और पेबल्स प्रेजेंट होते हैं उस सॉइल को ग्रेवल सॉइल कहा जाता है। सैंड सॉइल ऐसी सॉइल को कहा जाता है जिसमें वाटर या मॉइस्चर अमाउंट नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल वर्ड का मतलब है बेटा बहुत कम, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन इज सैंड में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं होती है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। एंड क्ले, क्ले एक ऐसी सॉइल है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेस्ट होती है। सो सॉइल कंटेन्स ग्रेवल सैंड एंड क्ले। नाउ कम टू द पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 पे बेटा ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है जो नॉर्मली आप अपने घर पर भी कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना है कि जितने भी सॉइल है उसमें मॉइस्चर है या नहीं है या जितने जर्म्स हैं उसको विजिबल करने के लिए आप एक प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए। उस प्लास्टिक की बॉटल में थोड़ी सी गार्डन की सॉइल को रख दीजिए। गार्डन सॉइल नहीं तो रोड साइड आपको जो भी सॉइल मिले थोड़ा सा अमाउंट उसमें रख दीजिए। उसको रखने के बाद बॉटल को लेड लगा दीजिए। लेड मतलब ढक्कन, बॉटल को कवर कर दीजिए। इसके बाद बॉटल को बंद करके इस बॉटल को आप सन में रख दीजिए, सनलाइट में रख दीजिए। कुछ टाइम के बाद बेटा आप क्या देखोगे कि जो बॉटल है उसकी जो अंदर वाली वॉल है उसमें थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स कहा जाता है बेटा पानी की बूंद को। उस बॉटल की जो अंदर वाली वॉल है उसमें आपको छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। अब ये क्या शो करता है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि वाटर में मॉइस्चर अमाउंट प्रेजेंट है, राइट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है बेटा, आप एक सेम प्रोसीजर है, प्लास्टिक की बॉटल लीजिए,
उस प्लास्टिक की बॉटल में थोड़ी सी सॉइल डाल दीजिए। थोड़ी सी सॉइल डालने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ा सा, अगर आपने 1 कप सॉइल ली है या बुक में बेटा अगर आप डायग्राम देखेंगे तो सपोज ये बॉटल है, इसमें इतना अमाउंट अगर सॉइल का लिया है तो इसके ऊपर यहाँ तक 3/4 अमाउंट आप उसमें वाटर का फिल कर दीजिए। और वाटर का फिल करने के बाद उसे हम थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने देते हैं। सेटल डाउन का मतलब है उसको ऐसे ही रख देते हैं और शेक नहीं करते, हिलाते नहीं है, क्योंकि बेटा जब आप सॉइल में ऊपर से पानी डालोगे तो वो टर्बिड हो जाएगा, मीन्स गंदा हो जाता है, सॉइल पानी में मिक्सअप हो जाती है। तो उस बॉटल के कैप लगा करके आप उसको सेटल डाउन होने दीजिए या थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रख दीजिए। उस बॉटल को हिलना नहीं चाहिए, राइट। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो बॉटल है उसमें जो वाटर आपने फिल किया है उसमें बबल्स निकलते हुए आपको दिखाई देंगे, राइट। अब ये जो बबल्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये क्या प्रूफ कर रहे हैं? ये प्रूफ करते हैं कि सॉइल में एयर कंटेंट प्रेजेंट होता है। जब हम सॉइल में पानी डालते हैं तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जितनी भी एयर थी वो वाटर मॉलिक्यूल्स में एक बबल्स का फॉर्मेशन कर लेती है और बबल्स के फॉर्म में ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द सॉइल कंटेन्स द मॉइस्चर एज वेल एज द एयर, राइट। जर्म्स को बेटा हम नेकेड आई से, नेकेड आई का मतलब है अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। सॉइल में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, राइट। इस एक्सपेरिमेंट को आप इजिली बेटा अपने घर पे कर सकते हो और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर सकते हो। साइंस को पढ़ने के लिए बच्चों जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, इन एक्सपेरिमेंट को आप घर पर किया कीजिए, आपको विजिबल होगा, साइंस को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ सॉइल। काइंड्स का मतलब होता है बेटा टाइप, कितने टाइप होती है। तो फर्स्ट है सैंडी सॉइल, या इसको सैंड कहा जाता है। सैंडी सॉइल बेटा ऐसी सॉइल होती है जो नॉर्मली डेजर्ट या रेगिस्तान में मिलती है। ये सॉइल आपको बीचेस पर भी मिलती है। बीच कहा जाता है बेटा समुद्र के किनारे की जो है उसको बीचेस कहते हैं। रिवर बैंक, किसी किसी नदी के किनारे पर भी ये सॉइल मिलती है जिसको सैंड, नॉर्मल लैंग्वेज में बेटा इसको रेत या बालू भी कहा जाता है। इट इज कोर्स विद ग्रेन्स लार्ज इनफ टू बी क्लियरली सीन। कोर्स वर्ड का मतलब होता है बेटा हार्ड या रफ, राइट। इसमें वर्ड लिखा है इट इज कोर्स, कोर्स मीन्स हार्ड और रफ। विद ग्रेन लार्ज इनफ मीन्स इसमें जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज ग्रेन्स के, ग्रेन कहते हैं अनाजों को, अनाज के साइज के जितना होता है जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं अपनी आंख बेटा। सैंड को आप हाथ में अगर उठाएंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं आपको इजिली विजिबल हो जाते हैं, आप आसानी से अपनी आईज से देख सकते हो। सैंड ग्रेन्स और पार्टिकल्स आर लार्ज एंड लूजली पैक। जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और लूजली मतलब ढीले पैक होते हैं। सो दैट दे कैन नॉट होल्ड वाटर, इसलिए उनमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता या वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ओनली प्लांट्स दैट नीड वेरी लिटिल वाटर कैन ग्रो इन सैंड। सैंड में केवल वही प्लांट डेवलप होते हैं या ग्रो होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सैंड बेटा आपने देखा होगा आपके घर में जब कंस्ट्रक्शन कभी भी होता है या सैंडी सॉइल, उसको अगर हाथ में लीजिए बेटा तो वो आपके फिक्स नहीं होती है। अगर आप अपने उसको मुट्ठी बंद करते हो, पाम में ऐसे सैंड उठाते हो तो फ्लो डाउन हो जाती है, निकल जाती है, क्योंकि उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है और वाटर अमाउंट ना होने के कारण वो लूजली पैक होती है, इसलिए हाथ में से स्लिप ऑफ हो जाती है। सेकेंड है क्ले सॉइल और क्ले। क्ले सॉइल बहुत टाइनी वर्ड का मतलब होता है बेटा बहुत छोटे, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल से बनी होती है। इन्हें हम सेपरेटली मीन्स इसके एक एक पार्टिकल को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। सैंड में आपको बताया बेटा इनके पार्टिकल्स को आप इजीली अपनी आईज से देख सकते हो, लेकिन क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेटली मतलब अलग अलग फॉर्म में हम नहीं देख सकते हैं। क्ले सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरी वेल अकॉर्डिंगली होती है, मीन्स क्ले सॉइल आसानी से बहुत ज्यादा अमाउंट वाटर का अपने में स्टोर कर लेता है, इसलिए वो स्टिकी होता है। स्टिकी वर्ड का मतलब होता है चिपचिपा। प्लांट लाइक राइस दैट नीड लॉट ऑफ वाटर ग्रो वेल इन क्ले सॉइल। जब क्ले सॉइल में बेटा
वाटर अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए क्ले सॉइल में ऐसे प्लांट्स डेवलप होते हैं जिनको पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। राइस या धान या चावल जिसे आप कहते हो, ये क्ले सॉइल में डेवलप होता है, क्योंकि धान बेटा ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी स्टोर हो सके। क्ले इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर मोल्डिंग। मोल्ड वर्ड का मतलब होता है बेटा किसी शेप में कन्वर्ट करना। तो क्ले सॉइल को हम किसी भी पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए क्ले सॉइल का यूज पॉट, ब्रिक्स और टॉयज, मीन्स मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, स्टैचू और ईंट, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट जिससे घर बनता है, उसको बनाने में क्ले सॉइल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लोमी सॉइल और लोम। लोमी सॉइल एक ऐसी सॉइल है जो सैंड, क्ले और ह्यूमस का एक परफेक्ट मिक्सचर होती है, इसलिए लोमी सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक बेस्ट सॉइल मानी गई है। इसमें जो सैंड है, कॉम्पोजिशन इसका मीन्स किससे बनी होती है, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। सैंड होने के कारण इसके अंदर एयर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इजिली एयर को कैचअप करती है। क्ले होने के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेस्ट होती है, और ह्यूमस होने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। सो द लोमी सॉइल और लोम इज बेस्ट सॉइल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट। इस बेस पे वीट प्लांट के लिए आपके बुक में जो पिक्चर बनी हुई है बेटा, वीट फील्ड मीन्स गेहूं के खेत की बनी है, इसमें जो लोमी सॉइल प्रेजेंट है, किसी भी तरीके का प्लांट हो लोमी सॉइल में प्रॉपरली वेल डेवलप्ड होता है, राइट। सो ऑल द स्टूडेंट्स, ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट टू एंड द क्लास, सो दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी, रेज योर हैंड सो दैट आई एम अनम्यूट वन बाय वन, राइट। सॉइल के टेक्सचर में, काइंड्स में, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है बेटा तो आप उसको पूछ लीजिए, रेज योर हैंड। पावनी, ओके बेटा, पावनी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम, यस बेटा, मैम मोल्डिंग का मतलब आप फिर से बता दीजिए। ओके बेटा, मोल्ड वर्ड का मतलब है किसी भी शेप में कन्वर्ट करना। बेटा मोल्ड को हिंदी में सांचा कहा जाता है, राइट। अब सांचे का मतलब है, एक बात बताइए, लिसन बेटा, एक बात बताइए, आप अगर घर में अपने फ्रीजर में आइस फ्रीज करते हो, मतलब पानी को रखते हो जिससे वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, इसमें आप क्या करते हो पावनी, या तो आइस ट्रे में रखते हो, आप जिस बर्तन में पानी रखते हो बेटा वो उसके शेप में आपको आइस मिलती है उसी, yes, मैम। ओके, सो दैट इज अ मोल्डिंग। अब मोल्ड का मतलब हो गया सांचा, हम जैसा चाहे उस शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए क्ले सॉइल को किसी भी शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। और कुछ कुछ मैम, अगर प्लेन क्ले क्ले होता उसको अभी हम किसी भी मोल्ड में बेटा लगा के डाल दे तो वो उसी शेप का आ जाएगा। यस बेटा, वेरी गुड। तो प्लेइंग मोल्ड जो होते हैं बेटा, आपकी जो प्लेइंग क्ले होती है वो प्रॉपर क्ले नहीं होती है, उसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स की आती है, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल क्ले है बेटा, वो ब्लैकिश डार्क ब्राउन शेड की होती है, जिससे मिट्टी के बर्तन मीन्स मटका बनता है, सुराही बनती है, मिट्टी के खिलौने बनते हैं, तो दैट इज अ क्ले सॉइल। अरे थैंक यू मैम, वेलकम बेटा। मैम ऑन, ओके, नेक्स्ट कृतिका गुप्ता, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। यस बेटा, बोलो क्या बात है। मैम, सप्रेटली का मतलब क्या होता है? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सप्रेटली का मतलब क्या होता है? बेटा वर्ड क्लियर नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा है आपकी आवाज, डिस्टर्बेंस है, दोबारा धीरे धीरे बोलो। सेपरेटली का मतलब क्या होता है? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे की, आप सेपरेटली बोल रहे हो बेटा? यस मैम। ओके, सेपरेटली वर्ड का मतलब होता है बेटा अलग अलग करना, सेपरेट मतलब अलग करना, ठीक है।
डिवाइड और अलग में डिफरेंस है, सेपरेट मीन्स अलग अलग करके रख. नेक्स्ट नेतांक बघेल. यस बेटा अनम्यूट योर सेल्फ. मैम बेटा बोलो. रिवर बैंक बेटा नदी के किनारे को बोला जाता है. नदी का जो किनारा होता है जहाँ पर आप बैठते हो उसको रिवर बैंक कहते हैं. और कुछ पूछना बेटा? नो मैम. ओके बेटा. नेक्स्ट अवनी अग्रवाल. यस बेटा अनम्यूट योर सेल्फ अवनी. हाँ बेटा बोलिए. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही अवनी. हेलो मैम. हाँ बेटा बोलो. मैम सैंडी सॉइल में प्लांट्स नहीं ग्रो करते? बेटा सैंडी सॉइल में ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं जिनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, जैसे कैक्टस. बेटा आपने कभी कैक्टस देखा है? यस मैम. तो कैक्टस जो है सैंड में डेवलप होते हैं क्योंकि उनको पानी बहुत कम चाहिए. बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं कैक्टस में. लेकिन कुछ ट्रीज हैं बेटा जो सैंड में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंगरी, केटी. ये बेटा एक वाइल्ड प्लांट्स हैं, फ्रूटी प्लांट्स होते हैं, मीन्स फ्रूट्स निकलते हैं इनमें, जो डेजर्ट एरिया में डेवलप होते हैं. ये ईटेबल फ्रूट्स है, मीन्स हम इनको खा सकते हैं. करेक्ट? यस मैम. लेकिन मैम सैंडी सॉइल तो रिवर बैंक पे होती है, तो उसमें पानी क्यों नहीं होता? बेटा सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज होते हैं, मीन्स दूर दूर होते हैं, जिससे उसके अंदर वाटर नहीं रुक सकता है. सैंड बेटा ड्राई होती है, उसमें पानी नहीं होता. आपने सैंड देखी है बच्चे? यस मैम. सैंड ड्राई होती है, बहुत सूखी सी होती है. क्या उसमें कभी पानी देखा है आपने? यस मैम. पानी केवल तब तक देखा है बेटा जब हार्डली 5 मिनट, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी स्टोर नहीं हो सकता है. अगर आप उसमें पानी डालते भी हो तो फ्लो अप हो जाता है, मीन्स बह जाता है, और वो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाती है सॉइल. ओके मैम, थैंक यू मैम. और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है बेटा? नो मैम. ओके बेटा. और किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए. पवनी. ओके बेटा अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. मैम अगर जो नेचुरल क्ले होती है हम उसे हाथ में पकड़ते तो वो हाथ में पकड़ पाते हैं ना, वो नीचे नहीं गिरती है तो? यस बेटा वो नीचे नहीं गिरती है, चिकनी, बहुत ज्यादा चिकनी होती है बेटा वो. आप उसको जब यूज करते हो तो आपके हाथ में भी क्ले लगती है. आपने बेटा कभी पॉटर व्हील देखा है? पॉटर व्हील आपने मतलब आपने कभी किसी को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखा है बेटा? मैम नो. नो. कभी टीवी पर देखा है पॉटर को बनाते हुए? मैम देखा है, टीवी में देखा है. तो उसमें आपने देखा होगा जब वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं बेटा तो उनके हाथ में बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, वो स्टिक होती है, मीन्स उस पे चिपक जाती है, उसको क्ले सॉइल कहा जाता है. आपके घर में बेटा अगर प्लांट लगे वो लोमी सॉइल है, वो क्ले सॉइल नहीं होती है. ठीक है. क्ले सॉइल बेटा हमें रिवर साइड से मिलती है. रिवर बैंक पर सैंड होता है लेकिन क्ले सॉइल नदी में नीचे की तरफ होती है, या वेल में कुएं की जो मिट्टी है वो भी 80% क्ले सॉइल होती है. और कुछ पूछना है बेटा? नो. ओके. और किसी भी बच्चे को बेटा कोई भी क्वेरी है तो पूछ लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को. कोई भी क्वेरी नहीं है बेटा? अनोखी, मैत्री, सिद्धिपाल, पावनी, परी. बेटा कृतिका गुप्ता. ओके बेटा अनम्यूट योर सेल्फ. यस बेटा. हाँ बेटा
आवाज नहीं आ रही आपकी। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर बेटा, मॉइस्चर बेटा नमी को कहा। नमी को कहा? ओके मैम। मॉइस्चर नमी को कहा जाता है बेटा, जो वाटर अमाउंट सॉइल में प्रेजेंट होता है उसे मॉइस्चर कहते हैं। नेतांग बघेल अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम मार्बल मींस? बेटा मार्बल को हिंदी में संगमरमर कहा जाता है, ये रॉक का एक टाइप है। संगमरमर वर्ड सुना है, जिससे बेटा आपका ताजमहल बना हुआ है, इससे स्टेचू बनाते हैं, दैट इज अ मार्बल। पत्थर एक तरीके की चट्टान है जिसको मार्बल कहा जाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बच्चे। कृतिका यू हैव अनदर क्वेरी? यस अनम्यूट योरसेल्फ बेटा कृतिका। दोबारा बोलिए बच्चे। मैम हम लोअर हैंड कर रहे थे। ओके बेटा ओके। सो ऑल द स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द लेयर्स ऑफ सॉइल। अभी आपने बेटा आज पढ़ा सॉइल कितने टाइप की होती हैं, किस किस से मिलकर बनी होती हैं और किस टाइप के प्लांट डेवलप होते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे बेटा सॉइल की डिफरेंट लेयर्स क्या होती हैं, राइट? सो इफ नोबडी हैव एनी क्वेरी देन आई एम एंडिंग द क्लास। ओके, किसी को कोई भी क्वेरी नहीं है तो ओके, थैंक यू बेटा।